खबर नोएडा से, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच में आज काफी धक्का मुक्की हुई। दरअसल अपने मुआवजे की मांग को लेकर के पिछले 19 दिनों से नोएडा के प्राधिकरण दफ्तर के बाहर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, ऐसा आरोप है किसानों का। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग है, उसके दोनों तरफ, एक तरफ में किसान है, महिलाएं हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, दूसरी तरफ पुलिस है, आमने सामने है। मानो ऐसा लग रहा है कि किसानों ने अब ठान ही लिया है कि जो अपनी मांगे हैं वो पूरे तौर पर उनको मनवानी है। कहा यह जा रहा है कि किसान 10% प्लॉट और 64% मुआवजा और गांव को विकास को लेकर के ये पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। आप देख रहे हैं किस तौर पर किसान और पुलिस आमने सामने। हमारे सहयोगी ग्रेश नारायण फोलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ग्रेश, जिस तरीके की स्थिति बनती हुई दिख रही है, किसान अब कहीं ना कहीं उग्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसे में पुलिस जाहिर तौर पर एक स्थिति में बल का प्रयोग करेगी और मांगे वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? निश्चित तौर पर जिस तरह से ये पूरा मामला है, किसान करीब 18 से 19 दिन हो गए हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार मुकदमे दर्ज हो गए थे। इससे पहले 11 किसानों को जेल भी भेजा गया था, लेकिन किसानों का जो प्रदर्शन है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। और आज भी जो स्थिति है काफी विकराल हो गई थी, और जो पुलिस और किसानों को भी संघर्ष भी देखने को मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया ग्रीष, इन तमाम जानकारी के लिए।